जगदीश पार्टनर ले जाओ। ठीक है तो फाइटर पंप बनासवन में है, वहां से लेके जाओ। हम 24 घंटों में 50 मैट्रिक टन घी का प्रोडक्शन करते हैं पर डे। 3,50,000 किसान, 16 लाख मवेशी, 50 लाख लीटर दूध, 8 हाईटेक प्रोसेसिंग प्लांट्स, इन्हें आपस में मिला दीजिए और इनसे हासिल होगा एशिया का सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव। सुबह के 5 बजे हैं और यहाँ सिर्फ पक्षी ही नहीं चहचहा रहे हैं। पश्चिम भारत में मौजूद गुजरात के बनासकांठा जिले के विलेजेस में भी चहल पहल शुरू हो गई है। यहाँ की महिलाएं अपने मवेशियों को चराने ले जा रही हैं। अपनी 35 गायों का दूध दुहने में अमी बेन और उनकी बहन को कम से कम 3 घंटे लगेंगे, तभी वो करीब 250 लीटर फ्रेश वार्म मिल्क इकट्ठा कर पाएंगी। इस दूध को कैंस में भरा जाएगा और फिर इसे लोकल कलेक्शन सेंटर ले जाया जाएगा। सुबह के 6:30 बजते थावर गांव का कलेक्शन सेंटर काफी बिजी हो जाता है। अगले कुछ घंटों के दौरान आसपास के गांवों के 1,000 से ज्यादा लोग यहां दूध जमा करने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और 11:00 ये ट्रक अमी बैंक के गांव से दूध को यहां से करीब 70 किलोमीटर दूर बनास डेयरी कोऑपरेटिव हेडक्वार्टर्स पहुंचा देगा। सच तो ये है कि इस पूरे जिले से ही ट्रक्स बनास कोऑपरेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। दूध का कारोबार एक बड़ा कारोबार है, बशर्ते इसे बनास के ढंग से किया जाए। बनास डेयरी कोऑपरेटिव रोजाना 50 लाख लीटर दूध इकट्ठा करता है और इसका सालाना टर्नओवर 75 अरब 52 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, यानी हर साल 1.15 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। ये कोई मामूली कोऑपरेटिव नहीं है, ये तो एक मेगा डेयरी है। ये है एक अल्टीमेट मिल्क फैक्ट्री। हम एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी हैं और 25% टर्नओवर बनास डेयरी के प्रोडक्ट्स और दूध से आता है GCMMF का। इस साल जहां हमारा दूध रोजाना करीब 50 लाख लीटर रहा है, वहीं आने वाले 5 साल में हमारा लक्ष्य है कि हम 50 लाख लीटर से 75 लाख लीटर पर पहुंच जाएं। हम कई तरह के पाउडर बनाते रहे हैं, इसके अलावा हम इससे चीज बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, हम पनीर बनाते हैं और फ्लेवर्ड मिल्क बनाते हैं। बनास डेयरी कोऑपरेटिव को अपना नाम मिला उस जिले से जहां इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। बनास डेयरी कोऑपरेटिव गुजरात के बनासकांठा जिले में पालनपुर में स्थित है। ये इलाका राजस्थान के रेगिस्तान और रन ऑफ कच्छ के सॉल्टी फ्लैट लैंड्स के बीच मौजूद है। ये एक सूखा और बंजर इलाका है, बारिश का यहाँ कोई भरोसा नहीं। ये यहाँ अक्सर औसत से कम ही होती है। इस जिले की ज्योग्राफी इसके फेवर में नहीं है, तो बनास डेयरी ने हालात को अपने मुताबिक कैसे ढाला और ये कैसे बनी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी? बनास एक ऐसी जगह मौजूद है जो इंसानी बस्तियों से काफी दूर है। वाकई सबसे नजदीकी शहर यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। हालात मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा लो है। ये इलाका बहुत ही सूखा बंजर है। बनास डेयरी कोऑपरेटिव की स्थापना 1969 में हुई थी, गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत के कुछ ही समय बाद। आनंद और मेहसाना डेयरी पहले ही कामयाबी का रास्ता दिखा चुकी थी। दूध और डेयरी के अलावा कोई व्यवसाय नहीं था यहाँ पर। पशु वैसे
अकाल पड़े तो लेकर माइग्रेट करके बाहर ले जाते थे। दूध खाने के लिए उपयोग आता था। दूध कोई बेचे तो ऐसी मान्यता थी कि दूध और बेटा दोनों नहीं बेचा जा सकता। फाउंडर गलबा भाई नानजी भाई पटेल ने इस कोऑपरेटिव की शुरुआत सिर्फ कुछ 100 किसानों के साथ ही की थी। रोजाना करीब 800 लीटर दूध इकट्ठा किया जाता था और अब 5 दशक बाद मेंबरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज बनास डेयरी के 3,50,000 सदस्य हैं और यहाँ रोजाना करीब 50 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। ये हर साल लगभग 10% की तेजी से ग्रो कर रहा है। इस कोऑपरेटिव में बनास के करीब करीब 90% गांव शामिल हैं। बनास उन 18 कोऑपरेटिव्स में से एक है जो मशहूर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का हिस्सा है और जो नामी अमूल ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। बनास कोऑपरेटिव कोई साधारण मेंबर नहीं है। ये अमूल के कुल प्रोड्यूस का 1/4 यानी 25% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। 10 साल पहले तक इसका नंबर 4 था और आज बनास है नंबर 1 और दूसरे नंबर की फेडरेशन का शेयर हमसे आधे से भी कम है। तो वो गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बिजनेस में करीब 25% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जहां तक अमूल का सवाल है, बनास का कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है। इस कोऑपरेटिव की ग्रोथ और सक्सेस का पूरे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में फैले 1233 गांव के मेंबर्स की सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ पर जबरदस्त असर पड़ा है। आइए आपको मिलवाएं गणेशपुरा लखानी गांव के पटेल परिवार से। 30 सदस्यों वाले इस परिवार की किस्मत बनास डेयरी कोऑपरेटिव की ग्रोथ के साथ सीधे तौर पर जुड़ी है। इनके दादा दरगा भाई रावत भाई पटेल अर्ली 70s में इस कोऑपरेटिव के एक मेंबर बने थे। दरगा भाई रावत भाई के बेटे लाला भाई पटेल लोकल मिल्क सेंटर के सेक्रेटरी हैं और उनके भतीजे वेला भाई यहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। इनकी गायों का 250 लीटर से भी ज्यादा दूध रोजाना कोऑपरेटिव भेजा जाता है, जिससे इनके परिवार के बच्चों की शिक्षा का खर्च निकालने में मदद मिलती है। मेरे दादाजी ने डेयरी के माध्यम से ही पढ़ाई की थी और उसी तरह से मेरे पापा को भी पढ़ाया था और बाद में हम भी उसी सहाय से ही अभी तक पढ़ रहे हैं। लाला भाई पटेल की फैमिली बनास कोऑपरेटिव पर डिपेंड करती है और ये कोई अनोखी बात नहीं है। बनास कांठा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही कम हुई है। ये बुनियादी तौर पर एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है। इस जिले में करीब 31 लाख लोग रहते हैं और इनमें से करीब 17,50,000 अपनी नियमित आमदनी के लिए बनास कोऑपरेटिव पर ही निर्भर करते हैं। साथ मिलकर चलने से एक ऐसा फायदा होता है। इनका सबसे बड़ा ये सक्सेस स्टोरी है। एक डेजर्ट जैसे प्रदेश में, रण प्रदेश में, जहाँ पर हर बार अकाल रहता था, वाटर की क्राइसिस रहती थी, ऐसे क्षेत्र में एक दूध की गंगा मान लो कि पूरी नदी बह रही है। किसी कामयाब मिल्क कोऑपरेटिव को चलाना बहुत ही टेक्निकल काम होता है। दूध की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है और गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगर दूध को स्टोर करने में कोई गलती हो जाए तो वो खट्टा हो सकता है। लेकिन बनास डेयरी कोऑपरेटिव ने एक सिस्टम बनाया है ताकि इस विशाल जिले से इकट्ठा किया गया 50 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग के लिए इस डेयरी तक सुरक्षित ढंग से पहुंच सके।